प्रमुखता से बड़े बड़े शब्दों में बड़े बड़े अंकों में उसका नाम भी प्रकाशित किया गया है, मगर उन छह जातीय आतंकियों में से किसी भी एक के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, जिससे साफ साफ ऐसा प्रतीत होता है प्रशासन व गोदी मीडिया के ये लोग इन स्वर्ण जाति के अपराधियों को बचाना चाहते हैं। तभी बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि जातीय अखबारों व मीडिया चैनलों का बायकॉट करो, इन्हें देखना बंद करो, क्योंकि ये जातिवादी चैनल, ये जातिवादी लोग हमारी पिटाई की खबरें जोर शोर से दिखाते हैं, मगर हमारे शौर्य की खबरों को ये दबा देते हैं, उनको प्रमुखता नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। किसी स्वर्ण ने अगर 300 रैंक भी हासिल की है तो दिन रात उसके गुण गाए जाएंगे। यही है मीडिया का दोहरा चरित्र। अगर हमारा बच्चा पहली रैंक में भी पास होता है तो उसका एक इंटरव्यू तक छापना ये पसंद नहीं करते। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। नमस्कार, मैं हूँ मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, घंटी पर आल वाला बटन दबा दीजिए और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की घटना गुजरात के बनासकांठा की है, जिसे एनबीटी गुजरात ने 2 मई 2023 को प्रमुखता से छापा है। खबर के मुताबिक जातीय आतंकियों ने दलित युवा को सिर्फ इसलिए पीटा कि उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और आंखों पर काला चश्मा पहन रखा था। आप सोचिए, अच्छे कपड़े पहनना और आंखों पर काला चश्मा लगाना कब से इस देश के अंदर अपराध हो गया है। अखबार की माने तो कुछ जातीय स्वर्णों की भावनाएं आहत हो गईं, सिर्फ इस वजह से कि इस दलित ने इतने साफ सुथरे कपड़े क्यों पहने हैं, और वो भी हमारे सामने पहनने की हिमाकत कर कैसे दी, इसकी इतनी हिम्मत, मारो इसको घर में घुसकर। फिर क्या था, पारा सातवें आसमान पर, हाथों में लठ और पिल पड़े बेचारे गरीब पर। ये तो जातीय आतंकी थे ही, इनसे भी बड़े आतंकी निकले। पुलिस प्रशासन व अखबार में इस खबर को प्रसारित करने वाले लोग, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अब आप कहेंगे कि मनोज अंतानी अपनी हर खबर में जाति का एंगल क्यों खोजते हैं। क्यों ना खोजे भाई, पहले सुनिए पूरी खबर, फिर मैं बताऊंगा मैंने इस खबर में जातीय एंगल क्यों खोजा है। अब आप ही बताइए, क्यों ना खोजा जाए खबर में जाति का एंगल, और क्यों ना ढूंढूं मैं इस तरह की खबरों में अनुसूचित जाति के साथ हो रही बर्बरता, क्यों ना खबर में ढूंढूं। शिकायत के अनुसार वह अपने घर के बाहर अच्छे व नए कपड़े पहनकर आंखों पर काला चश्मा लगाकर खड़ा था। तभी गांव के ही 5-6 जातीय आतंकियों ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी व अच्छे कपड़े न पहनने की हिदायत देते हुए उस पर हमला कर दिया। उसकी माँ शोर शराबा सुन बीच बचाव करने आई तो उस पर भी लाठियां भांजी। अखबार की माने तो ये खबर लिखे जाने तक पुलिस किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई थी। अब आते हैं खबर के दूसरे पहलू पर। पुलिस व अखबार यह तो बता रहे हैं दलित युवा जिगर शेखालिया है
जिसकी बर्बरता से पिटाई की गई है, और प्रमुखता से बड़े बड़े शब्दों में बड़े बड़े अंकों में उसका नाम भी प्रकाशित किया गया है, मगर उन छह जातीय आतंकियों में से किसी भी एक के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, जिससे साफ साफ ऐसा प्रतीत होता है प्रशासन व गोदी मीडिया के ये लोग इन स्वर्ण जाति के अपराधियों को बचाना चाहते हैं। तभी बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि जातीय अखबारों व मीडिया चैनलों का बायकॉट करो, इन्हें देखना बंद करो, क्योंकि ये जातिवादी चैनल, ये जातिवादी लोग हमारी पिटाई की खबरें जोर शोर से दिखाते हैं, मगर हमारे शौर्य की खबरों को ये दबा देते हैं, उनको प्रमुखता नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। किसी स्वर्ण ने अगर 300 रैंक भी हासिल की है तो दिन रात उसके गुण गाए जाएंगे। यही है मीडिया का दोहरा चरित्र। अगर हमारा बच्चा पहली रैंक में भी पास होता है तो उसका एक इंटरव्यू तक छापना ये पसंद नहीं करते। आपके लिए बेहतर है, आपको क्या करना है ये मुझसे बेहतर आप स्वयं जानते हैं। दीजिए इजाजत, मैं हूं मनोज अंतानी। आज की इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और हाँ, कब बंद कर रहे हैं आप अपने घरों से इन गोदी मीडिया के टीवी एंकरों को देख कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।